नमस्कार साथियों, लव जिहाद का मसला जो है एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा है कि वे लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हिंदू लड़कियों को जो है मुस्लिम लड़के अपने प्यार की जाल में फंसाते हैं और इससे जो उनसे विवाह कर लेती हैं और उसकी आड़ में जो है फिर वो उनका धार्मिक जो कन्वर्जन है धर्मांतरण वो इस्लाम में हो जाता है और इस प्रकार की साजिश है हिंदुओं को देश के अंदर ही अल्पसंख्यक बनाने की। ये बहुत पहले से परिवार का एक लव जिहाद, क्या इस पूरे प्रश्न को हम केवल हिंदू और मुस्लिम के ही संदर्भ में देखें या इसके संदर्भ कुछ और बढ़े? और मुझे लगता है कि हमें इस पूरे प्रश्न पर ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए। जैसे जैसे देश में युवाओं की संख्या बढ़ेगी और युवा अपना रोजगार अपने शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, वैसे वैसे उनके जो दायरे हैं वो बढ़ते जाते हैं और नए दायरे में नए दोस्त बनते हैं। दोस्त हमेशा आपकी जाति और आपके धर्म में नहीं होते हैं, उससे बाहर ही आप बना लेते हैं। नौकरी की तलाश में भी युवा घर से बाहर निकलता है, अपने शहर से बाहर जाता है, अपने प्रांत से भी बाहर जाता है। अभी नई शिक्षा लेने के लिए भी बच्चे जो है वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, बीए कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रयास करते हैं, उन कॉलेजों में उन नए संस्थानों में उनकी नई मित्रता होती है और वो मित्रता कोई किसी की जाति देख के या धर्म देख के नहीं होती। और उसी के आधार पे कई बार वो प्रेम संबंध बना लेते हैं। ये जो लव जिहाद की जो बहुत ज्यादा परिकल्पना हुई है वो ये भी है कि बहुत सारी जो अंतर धार्मिक विवाह हैं उसमें से ऐसे विवाह जिसमें पुरुष मुस्लिम है और लड़की हिंदू है उसको लेकर के ज्यादा तनाव दिखाया जाता है। इसके विपरीत से होता है, यानी कि लड़की मुस्लिम हो लड़का हिंदू हो तो कोई समस्या किसी को नहीं, लेकिन ये समस्या केवल हिंदू कट्टरपंथी लोगों की ही नहीं है। इस बात में दूसरे धर्मों का भी वही उतनी ही भूमिका है। मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं वो भी अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ विवाह करती है तो उनको बहुत परेशानी होती है, उनको लगता है कि कोई उनकी इज्जत पर खतरा हो गया है। और अगर मुस्लिम किसी हिंदू लड़की को लेकर शादी करते हैं तो वो कोई आपत्ति नहीं, निकाह कर देते। क्या भारत में अंतर जाति या अंतर धार्मिक विवाह संभव है? और अगर संभव है तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? कानून के मुताबिक ये दो व्यक्तियों का मामला है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया और जिसमें अक्सर जैसे होता है उनका नाम की एक लड़की ने एक किसी मुस्लिम लड़के से विवाह किया, उनका प्रेम था और उसके बाद विवाह के बाद जो है प्रियंका के पिता ने अपने लड़की के पति के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई जो अपहरण की तकरार है और उसके बाद से पुलिस लगातार परेशान कर रही थी। उस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बाद में कोर्ट ने कह दिया कि प्रियंका यानी कि हिना का जो विवाह हुआ है वो ठीक था। प्रियंका ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, उसका नाम हिना। इसमें दो चीजें हैं। एक चीज है
धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है और आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं। दूसरा मामला है विवाह। विवाह आपका दो बालिक लोगों का सवाल है, वो जैसा सोचते हैं वैसे करते हैं और उनकी ये आजादी है, इस पर होते रहेंगे। दोनों ही चीजें कानूनी तौर पर सही है लेकिन एक समाज कानूनी तौर से ही बनता है, एक राष्ट्र का समाज जो बहुभाषी या बहुधार्मिक समाज है, बहुतावादी समाज है, आज वहां पर कट्टरपन के बीज पनप रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि राजनीति जो है एक ऐसा अवसरवाद है जिसमें लोगों को अंधविश्वास में और लोगों को जो है फर्जी नावों में उलझा करके हम अपना हित साध सकते हैं। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि विवाह ये प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम बहुत पहले से वहां ही राजा से लेकर सुनी महिवाल उस दौरान तो कोई स्पेशल मैरिज नहीं थे। 1954 में जो है हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट उन लोगों के लिए बना था जो अपनी विवाह कर रहे हैं, विशेषकर अंतर जाति या अंतर जाति। लेकिन ये स्पेशल मैरिज एक्ट आज जब से ये बात आई है कि लव जिहाद का मसला एक्ट है, उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट एक काम की चीज आ गया सरकार। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको जिनको विवाह करना है वो एक महीने का नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस जो है दोनों के, लड़की और लड़के के घरों में, उसके आसपास की पंचायतों में, उनके पब्लिक प्लेस है वहां पर चस्पा किए जाते हैं और वहां से उनके परिवार वालों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। 1954 से लेके आज तक जितने भी विवाह हुए हैं उनमें मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि बहुत ही कम ऐसे होंगे जिसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी लड़की या लड़के के माँ बाप ने दे दिया हो। यदि विवाह उनकी जाति से बाहर है, यदि विवाह पीछे बगैर किया गया है, लेकिन उस दौरान अब तक होता रहा है कि उस पे अधिकारी लोग भी जानते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो वो उस मसले को दबा करके और घुमा फिरा करके कोई उसका तरीका होता है, वकीलों की फीस उसमें ज्यादा हो जाती है, तो वो आपका विवाह संपन्न होता है। एक महीने के बाद आपका आता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और काम बन गया। लेकिन अब सरकारों ने ये मसला उठाया और जब राजनीति में खास करके हिंदुत्व की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन गया, तो अब हर एक संरक्षण मुद्दा अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो सवाल लगेगा। किसी भी घर में कोई लड़की किसी के साथ जा रही है तो नहीं, पिछले दिनों हुआ है उनको मारपीट, तुमको हमें तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है क्या है उसके घर पे समझा दें, तो हम जानते हैं कि समाज अभी भी सामंती है, समाज अभी भी जाति के कटघरों में बना हुआ है। तो जो पूरी जो प्रक्रिया है जो जिसको हम कह रहे हैं कि लव जिहाद, लेकिन प्यार जिहाद तो हुई नहीं, वो बिल्कुल बेवकूफ और गधा होगा जो बिल्कुल प्लानिंग करते कि मैं उसको इस्लाम में कर दूंगा और उसके बारे से कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर होता है तो हम जरूर कुछ चीजें कहना चाहेंगे सलाह के तौर पर। अच्छा होती दो व्यक्तियों जो अंतर जाति या अंतर धर्म की बात करते हैं उनको कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। संविधान और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है,
जब हिंदू कोड बिल बना रहे वो हिंदू कोड बिल में महिलाओं को बराबरी का अधिकार, महिला को तलाक का अधिकार, महिला को पुनर्विवाह का अधिकार, बहुत सारी चीजें, महिला को संपत्ति का अधिकार, महिला को एक व्यक्ति का अधिकार। तो जब दो अलग अलग धर्मों के दो अलग अलग जातियों के लोग विवाह करते हैं तो इसका मतलब है कि संविधान के मूल्यों को मान कर संविधान उनकी सुरक्षा में है, संविधान उनकी रक्षा में है। तो सब लोग ये मानते थे जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर कि भारत को अगर मजबूत होना है तो जातियों का उन्मूलन करना है। और जाति उन्मूलन की एक बहुत बड़ी शर्त है प्रेम विवाह, जाति की बाउंड्रीज को, जाति की सीमाओं को लांघते हुए विवाह। अब जाति की सीमाओं को कब लागू कर देते हैं, जब उसका किसी प्रेम, प्रेम में ही लोग जो है जाति धर्म और अपने देश की सीमाओं को बांध लागू करते हैं। अपने आप से माँ बापों के जरिए कोई भी व्यक्ति प्रेम विवाह नहीं करेगा या अंतर जाति विवाह या अंतर धर्म विवाह नहीं करेगा। यदि माँ बापों के अनुसार हम चलेंगे तो वो अपने जाति बिरादरी और अपने स्टेटस देखते ही विवाह करते हैं। ये एक पुराना सामंती नियम और जाति की जो पवित्रता का सिद्धांत है विवाह से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर मेरी जातीयता बची। इसलिए जब अंतर जाति विवाह ज्यादा होना शुरू होगा या अंतर धार्मिक विवाह ज्यादा शुरू होगा तो आइडिया ऑफ इंडिया मजबूत होगा। और जब आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि सामूहिक भारत की भारतीयता की पहचान संविधान हमको देता है वो मजबूत होता है तो जो उनकी राजनीति हमेशा जाति के कुनबों में बंट के जिनकी राजनीति हमेशा धार्मिकता के अंतिम गली में आपको डाल करके मजबूत होती है वो लोग इसका विरोध करेंगे। और पूरे इस अगर प्रक्रिया को देखें तो कुछ लोगों को हमेशा हर चीज में हर हिंदू पर उनके पास विकास का कोई इश्यू नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम सब कहीं पर भी हो, शादी हो तो हिंदू मुस्लिम, कुछ भी हो तो पाकिस्तान 370, ऐसा नहीं है कि इनके जवाब नहीं, इनके जवाब भी के राइट फोरम पे दिए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, दो एडल्ट जो भी हमारी न्यूनतम आयु है उसके अनुसार काम करते हैं तो विवाह करने को स्वतंत्र। एक सबसे बड़ी बात आती है जब हम ऐसे विवाह कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अभिप्रीत कि वो प्रेम विवाह नहीं होता जहाँ आप एक महिला को की अस्मिता को बदल दें, यानी कि प्रियंका जो खरवाल है जो भी वो थी उसका विवाह जिससे भी हुआ, विवाह होना से अगर उसकी इंडिविजुअलिटी उसका व्यक्तिगत जो पहचान है प्रियंका होने की वो गायब होती है, प्रियंका से वही ना मिलती, तो मुझे लगता है कि ये कोई प्रेम विवाह नहीं। जब आप अंतर धार्मिक और अंतर विवाह करते हैं तो एक नया रास्ता तलाशिए, एक नई पहचान बनाइए। नई पहचान का मतलब ये नहीं कि आपने नाम बदल करके एक दूसरा धर्म अपना लिया, इसका मतलब क्या है कि आप दोनों को दोनों अपने घर में जो बहुत जो अलग अलग वैरायटी धर्मों की हो सकती थी आपकी पहचान की वो नहीं थी। इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि आपको जो पहले जिसके लिए आप चल रहे थे जिस नए पर आप आए वो सब अच्छा है। वो लोग जो इस्लाम से आके अपना नाम बदल करके हिंदू बन जाए शादी करने के बाद, इसका मतलब यही कि महिला की जो वैयक्तिकता है वो खत्म हो जाती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके लिए, और स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर हम इस तरीके से परेशानियां खड़ी करेंगे तो लोग फिर धार्मिक विवाह में प्रेम तो करेंगे
ट्रेन करने के लिए उनको एक अप्रूवल चाहिए समाज की। अगर अलग अलग धर्म है तो चाहे वो पंडित हो या मौलवी हो, वो दो अलग अलग धर्मों की शादी तो नहीं करा सकते। उसी कारण से उसकी गास लड़की पे गिरती है, उसको धर्म परिवर्तित कराया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जब आप प्यार करें तो उसकी जिस चीज से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करना हो तो उसके धर्म को बदल के नहीं सकते। ये जरूर है कि अधिकांश बाद में लड़कियां कहती हैं कि भी मैं अपने पति के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये हूँ, ये सब ये ड्रामे है, कुछ टाइम के बाद ठंडे हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला को अपना नाम बदल देना चाहिए, पुरुष कितने नाम बदलते हैं, और नाम क्यों बदलें। तो अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करते हैं, अगर प्रेम है, अगर वाकई में एक नया संदेश देना चाहते हैं, तो एक नया रास्ता चुनना चाहिए। मुझे लगता है वो रास्ता है मानववाद का, संविधानवाद का। जैसे उनको हम बोल सकते हैं स्वाभिमानी शादियां, संवैधानिक शादियां, सिविल मैरिज, सिविल अरेंज मैरिज, या मानववादी शादी, मानववादी विवाह, जहाँ आप अपना छोड़ के, मैं अपना छोड़ के और एक नया रास्ता चुनो, जिसको बोलते हैं इंसानियत का रास्ता, जिसमें मुझे आपकी पहले कौन सी पहचान थी, आप क्या थे, उससे पर मतलब मुझे आप पसंद है। और यदि आप मुझे पसंद है, मैं आपको पसंद है, तो दोनों को कोई नहीं पसंद। लेकिन अगर हमने प्रेम में शर्त लगाई, मैं तुमसे प्रेम करूंगा और तभी विवाह करूंगा जब तुम मेरे धर्म में आ जाओ, तो मुझे लगता है कि ये कोई प्रेम नहीं है, ये बिल्कुल गलत। और इसके कारण से क्या होता है कि धार्मिक जो कट्टरवादी लोग किसी भी धर्म में वो इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए, धर्म बहिष्कार करते हैं, और फिर बिना सामाजिक उसके। जब एक लड़की वो विवाह करने के बाद दूसरे समाज में चली गई और उसने अपनी पहचान पुराने वाले से खत्म कर दिया, यानी कि पहले के लोगों से कोई रिश्ता नहीं, तो कल उसके साथ कुछ घटना होती है, ऐसा नहीं होता जीवन में कि कुछ नहीं होता, तो उसके साथ तो कोई खड़ा होने वाला नहीं उसके समाज के। अरे कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे जहां वो गई है वहां पर उसके साथ खड़े। तो इसलिए अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों के लिए सबसे बढ़िया शर्त है कि हम ताकत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ अंतरे, लेकिन पहले अपने अपने आर्थिक संसाधनों को भी मजबूत करें, संविधान का रास्ता अपनाएं, संविधान के अनुसार चलें, और प्रेम करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत ही नहीं है हमें, हमें संविधान की जरूरत है। आज जो हम सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, महिला पुरुष की बराबरी की बात भी हो रही है, और महिला और पुरुष साथ बैठ के बात कर सकते हैं, महिलाएं भी अपने अधिकार के प्रति खड़ी होकर के बात कर सकती हैं, तो ये हमारा आधुनिक संविधान है। इसे हमारे धार्मिक ग्रंथों से, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, उससे आजादी नहीं, उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम अगर चाहें तो हम धर्मों की अच्छी चीजों को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम जिस पहचान के साथ आए उस पहचान के साथ होते हैं, साथी के साथ, और अगर आपकी पहचान बदलती है और आपका जो है एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, मैं तो अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार, ये एक बहुत पुराना डायलॉग है, इसको बदल देना चाहिए आज के लिए। इसमें क्यों महिला ही क्यों अपना सब कुछ कर रही, नाम बदलने से क्या, नाम क्यों बदलें। मैं तो इस सवाल से कहता हूँ कि अगर इस प्रकार के विवाह होते हैं, हमेशा होता है कि बच्चे होते हैं तो जब पति का
एलिजियंस रिलीजन का जो धर्म है वही इसका नाम है। सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा हो उसका नाम तैमूर है, उसका नाम कुछ और भी हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है। लेकिन ये एक ही एग्जाम्पल है, ये जात का एग्जाम्पल है, इस पर कुछ और भी हो सकता है। जहाँ जहाँ हिंदू पति है वहां हिंदू नाम रखते हैं, पर ये दुर्भाग्यवश है। मेरा कहना है कि कुछ नया रास्ता होना चाहिए, नई चीज देनी, नया दिशा। अगर हम करेंगे तो हमें ये काम नहीं करना, क्योंकि हमारे इन कामों से जो है समाज में असर पड़ता है। आप अगर आप धर्म की उसी गलियों में घूम के अपना आजादी ढूंढ रहे हैं, एक धर्म से जाके दूसरे धर्म में आपको आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां भी गलियां सक्रिय हैं, वहां भी उसी प्रकार की सोच है। अगर जो अलग अलग जातियों के और जो अलग अलग धर्म के लोग प्रेम करते हैं, तो वो एक दूसरे के मतभेदों को, एक दूसरे की पहचान को स्वीकार करें और उनके अस्मिताओं को स्वीकार करें, और फिर ये माने कि औरत की अस्मिता खत्म नहीं होती है, वो बनी रहती है, उसके लिए उसको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं अंतर्धार्मिक जो भी हुआ हूँ, प्रेम विवाह हूँ, उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर किसी के प्रेम ये शर्त है कि ये बात अभी संभव हो पाएगा जब हिना बन जाएगी सीमा और सलमा बन जाएगी सविता, या सविता बन जाएगी सलमा, या प्रियंका बन जाएगी हिना, इस प्रकार से मुझे लगता नहीं कि हम किसी भी एक समाज को एक नया दिशा निर्देश दे पाएंगे। और ये विवाह के बाद धर्म परिवर्तन हमेशा एक समाज के अंदर पीस चली जाती है कि हम जुट गए, एक बड़ा ब्रॉड रेंज में दूसरे समाज के अंदर जाती है हमने जीत ली। एक जमाने में जो है लोगों ने इस्लाम का इस्तेमाल किया विवाह करने के लिए, मल्टीपल बहुत धर्मेंद्र हेमामाली का विवाह सबको पता, लेकिन वो आज भाजपा का हिस्सा है। बोले हम कि भाई अब तरह अगर किसी मुस्लिम लड़के से विवाह करके गलत हो जाता तो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, तो जो इस प्रकार की पूरी पॉलिटिक्स है वो इससे बाहर निकल के जो भारत के नागरिक हैं एक दूसरे से विवाह कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, संविधान का अधिकार। मैं केवल उसमें एक ही चीज जो है कि प्रेम करिए, विवाह करिए, अंतर जातीय करिए, अंतर्धर्म करिए, लेकिन एक ही अस्मिता को या उसकी पहचान को खत्म करके मत करिए। प्रेम करिए तो जैसा कोई है उसको वैसे ही स्वीकार। मैं आपसे प्रेम करता हूँ अगर आप मुस्लिम बन गए, मैं आपसे प्रेम करूंगा यदि आप हिंदू बन गए, ये कोई प्रेम नहीं है, ये ढकोसला है। और उसको जितने जल्दी हमारे लोग समझ पाए उतना अच्छा। मैं केवल यही कहूंगा कि नव जिहाद जो भी कुछ हो रहा है ये और कुछ भी नहीं है, ये लोगों को अपने जातीय दायरों से बाहर रोकने की कोशिश है। मैं अगर नव जिहाद के युद्ध करने वालों से अगर कहना चाहता हूँ कि भाई वो जाति को उन्मूलन के लिए कितना काम करें, और अगर उत्तराखंड की सरकार ने एक कानून एक उनका बहुत भारतीय है 50,000 रुपए देंगे जो अंतर्जातीय जो युगत हो उसकी हर एक बड़े व्यक्ति देश के हमारे संविधान निर्माण सब नहीं करते अंतर्जातीय लोगों को उनको बढ़ाना कैसे बढ़ेंगे। अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में कर दिया कि पुलिस ठेकेदार जाकर के जो है गांव में करेगा तो जाति जो है सब हो सकता है, जाति पे गर्व करके अंतर जाति होता नहीं, जाति को खत्म करने का हथियार जो है वो विवाह हो सकता है, लेकिन तभी संभव है जब जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेवारी को समझें, नहीं तो उनके विवाह जो है वो समाज में और भी ज्यादा
जो है वो वैमनस्य लाएंगे, एक लॉलेसनेस लाएंगे, और उससे किसी को लाभ नहीं हो सकता। अगर आपके सोच में नयापन नहीं है और आप केवल विवाह को विवाह के लिए करना चाहते हैं तो कृपया करके कोशिश करिए कि अपने केवल दायरे में रहिए। यदि आप सोचते हैं कि आप किसी दूसरे के साथ विवाह करके उसके धर्म को बदल के विवाह करना चाहते हैं तो आप एक खतरा ले रहे हैं। ऐसे खतरे ना लीजिए जिससे समाज में, और समाज में वैसे ही बहुत ज़्यादा इस समय की अनार्की है और वो और बढ़ सकते, तो बेहतरीन ये होगा कि लोग विवाह करें, प्रेम विवाह करें और संवैधानिक मूल्य के अनुसार करें, एक दूसरे की पहचान को खत्म ना करके करें, एक दूसरे की जो मूल्य है उसको देने दें, नए मूल्य बनाए जो मानववादी हो, कुछ मूल्य उसके लीजिए कुछ अपने लीजिए और उसके आगे। और जो अगर धार्मिक विवाह भी करना चाहते हैं तो उनको भी धर्मों को अब सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से या मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से निकाह करा सकते हैं या दोनों तरीके से शादी कर लीजिए, एक हिंदू तरीके से एक मुस्लिम तरीके से, और या फिर आपके लिए जो है कानूनी जो सबसे बढ़िया प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी अपनी पहचान आप कहती है वो पहचान करने में मैरिज एक्ट, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो इस एक्ट को और मजबूत करे, इस एक्ट की जो ऐसी धाराएं हैं जिससे हरेसमेंट होता है उसको खत्म करे, इसमें सरकार से ज़्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट भूमिका अदा कर सकता है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़े जो वाकई में इन चीज़ों को समझते हैं। हमारे देश के विकास में के लिए ज़रूरी है कि देश के युवा जो है जाति और धर्म की बंदिशों से बाहर सोचें और एक संवैधानिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करें। यदि संवैधानिक मूल्य हमारे जीवन के मूल्य बनते हैं तो हम हमेशा जो है एक मजबूत राष्ट्र रहेंगे, मजबूत समाज रहेंगे और हम उस पर गर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।